हम जहां वह चांदर थे वहां हमने यूनियन खुद बनवाई। नॉन टीचिंग को बुला के कहा कि अपनी यूनियन क्यों नहीं बनाते। कहा कि सर लोग भाई चांदर तो चाहते हैं कि यूनियन न बने। हम कहा हम चाहते हैं कि बने, ताकि आप अपनी बात आके कहा कीजिए। पहले आप उनको खत लिखिए कि आप टर्नओवर नहीं है, खत वापस आ जाएगा। इसमें ये बहाना कि हमारे पास आदमी नहीं है, हम उसके लिए आदमी फराहम करेंगे और इसको हम करेंगे, और आइंदा इंशाल्लाह अगर ये सब लोगों की राय है तो बाई पोस्ट ही जाएगा, और 15 दिन पहले जैसा कि उन्होंने कहा तो 15 दिन पहले नोटिस जाएगा। हम लोग तो अब गुजरता हुआ मंजर है। यही हमने, आपने नहीं सुना, हम फिर दोहराते हैं कि नई नस्ल को सामने लाइए तो कैसे आएगी। आप क्वालिफाइड लोगों का, जैसे साथ साहब बोल रहे थे अभी, पॉइंट वाले जो एमकॉम है, बीकॉम है, एमबीए है, एमसीए है, जो बैंकिंग के सिस्टम को जानते हैं, उनका अकाउंट खुलवाइए, तो अकाउंट तो खुलवाइए। और जो रिपोर्ट अभी हम पढ़ रहे थे, तमाम इज्जत हुर्मत उनके साथ, मुश्किल ही होती थी कि वो बात सुनते भी थे नहीं सुनते थे। वो फरीद साहब को जो हम भी देख रहे हैं, इसके पहले भी 4 साल तक हम उनके साथ काम कर चुके हैं और ये 5वां साल है, मतलब 5वां साल भी गुजर गया, तो उनको बोलने नहीं देते थे। मैं जिसको जो कंफ्यूजन है या सच है वो बोलने दीजिए, पहले उसकी बात सुनिए फिर उसको अपनी बात बता दीजिए। तो वो हमने देखा है वो मंजर भी कि झगड़ा हो रहा है, मारपीट हो रही है, ये कुछ बोलना चाह रहे हैं, वो नहीं बोलने देना चाह रहे। तो हम ऐसा उसके हम कायल ही नहीं है। हम जहाँ वह चांदर थे वहाँ हमने यूनियन खुद बनवाई। नॉन टीचिंग को बुला के कहा कि अपनी यूनियन क्यों नहीं बनाते। कहा कि सर लोग भाई चांदर तो चाहते हैं कि यूनियन न बने। हम कहा हम चाहते हैं कि बने, ताकि आप अपनी बात आके कहा कीजिए। बहरहाल देखिए, एक बात उन्होंने ये कही कि शेयर होल्डर्स को जो खबर होती है, पॉइंट वाइज बता रहे हैं, जहां पर कोई हो तो फिर हाथ उठा के बोलिएगा, ये बहुत इनफॉर्मल है। देखिए सच्ची बात यह है कि बैंक वहां पर था कि उसको बंद हो जाना था। हम भी गारंटी नहीं देते हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि बैंक निकल जाए उस क्राइसिस से। एकदम साफ बात कर रहे हैं, जो हमने कहा था तो उनको बंद कर दीजिए, और जो शेयर होल्डर्स नहीं आ रहे हैं फलाना उनको हटा दीजिए, उनको नोटिस देना पड़ेगा। उसूली बात यह है कि पहले आप उनको खत लिखिए कि आप टर्नओवर नहीं है, खत वापस आ जाएगा। इसमें यह बहाना कि हमारे पास आदमी नहीं है, हम उसके लिए आदमी फराहम करेंगे और इसको हम करेंगे, और आइंदा इंशाल्लाह अगर ये सब लोगों की राय है तो बाई पोस्ट ही जाएगा, और 15 दिन पहले जैसा कि उन्होंने कहा तो 15 दिन पहले नोटिस जाएंगे। मोबाइल पर नहीं, मैंने नहीं उनको, अच्छा ठीक है, मान लीजिए कि मोबाइल पर भी भेज दिया जाएगा बाद में। दूसरी बात इन्होंने कही इलेक्शन हुआ करेगी, तो मेरे दिल की बात इन्होंने कही, मेरे दिल की बात कही, और हम अपनी तरफ से यकीन दिलाते हैं और भी 2-3 लोगों की तरफ से कि जिस दिन आप नई नस्ल को आगे ले आइए, उसका अकाउंट खोलवाइए, एमबीए वाले को, बीसीए वाले को, बीबीए वाले को, बीकॉम वाले को, एमकॉम वाले को अकाउंट खुलवाइए और शेयर होल्डर बनवाइए। और मैं आपको अल्लाह की कसम खा के वादा करता हूँ कि उसके दूसरे दिन मैं इस्तीफा दे दूंगा, और दूसरे दिन उस बोर्ड के बहुत से लोग इस्तीफा दे देंगे। इलेक्शन हो और लोग आवे, बहुत खुशी की बात, बहुत खुशी की बात होगी, और हम सबसे खुश उसमें होंगे। हमने सबसे पहले कहा, अभी फौरन कहा कि हम लोग तो अब गुजरता हुआ मंजर है। यही हमने, आपने नहीं सुना, हम फिर दोहराते हैं कि नई नस्ल को सामने लाइए तो कैसे आएगी। आप क्वालिफाइड लोगों का, जैसे साथ साहब बोल रहे थे अभी, पॉइंट वाले जो एमकॉम है, बीकॉम है, एमबीए है, एमसीए है, जो बैंकिंग के सिस्टम को जानते हैं, उनका अकाउंट खुलवाइए, तो अकाउंट तो खुलवाइए, 100 रुपए से 1000 रुपए से खुलवाइए, कसम खा करके, और लोगों के बिहार पर भी कि हम लोग उसी दिन, यानी जब ये देख लेंगे कि 10 आदमी क्वालिफाइड आ गए, तो मीटिंग करके ये जो 8 आदमी है ये रुख्सत हो जाएंगे। बहुत मजबूरी में कम से कम हम अपने बारे में आपको यकीन दिलाते हैं कि आप सिर्फ 10 आदमी लिख के हमको दीजिए कि आप छोड़ दीजिए, हम छोड़ देंगे। कोई साहब एक हैं जो यहां बैठे हुए हैं, अभी हैं भी मीटिंग में,
और उन्होंने हमको जबरदस्ती रोक दिया, वरना हम अपना इस्तीफानामा लिख के और उस वक्त के सीईओ साहब तनवीर साहब को दे रहे थे कि भाई हम बख्शी हमको। लेकिन एक आदमी है बैठे हुए, उन्होंने कहा कि नहीं सर आप मत छोड़िए। तो चलिए ठीक है, इसमें देखिए हम भी इसके हक में है कि इलेक्शन हिसाब से हो, लेकिन हो, अब कोई जरूरी नहीं है कि 5 ही साल पर हो, ये 1 साल बाद भी हो सकता है। लेकिन बैंक की बुनियादी शर्त है कि आपका शेयर होल्डर होना चाहिए और उसका अकाउंट होना चाहिए, तभी वो खड़ा होगा। कम से कम अकाउंट की भी ये नहीं कि आज खोला कल लड़ गया, साल भर का वक्त देते हैं। अगली मीटिंग में इंशाल्लाह फिर हम देखेंगे कि आप कम से कम 5 आदमी का भी फरीद साहब लिस्ट दीजिए ना कि देखिए सर ये MCOM है, MBA है, बैंकिंग सिस्टम को जानता है, बैंक में काम कर चुका है और इसका अकाउंट 1000 रुपये का सिर्फ है, कोई बहुत बड़ा भी नहीं अमाउंट है, तो इंशाल्लाह लाइए। ये बात हमने इनको जाके प्राइवेटली भी कहा था और फिर कहते हैं, सभी को कहते हैं कि ऐसे आदमियों को लाइए।